श्री अकाल जी। ये देखिए इस तरीके का डिजाइन बनाना सीखांगे। इस डिजाइन को बनाने वास्ते 7 के मल्टीप्लाई से फंदे रखने होंगे, यानी कि 7 + 7 ऐसे। लास्ट में आपने 3 फंदे ज़्यादा रखने होंगे। ये देखिए ये बटन पट्टी बनाई हुई है और बॉर्डर सेम है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में बनाएंगे, लेडी स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में, बेबी स्वेटर में, बहुत ही सुंदर डिजाइन है, बनाना बहुत आसान है। ये सीधी साइड में ऐसा दिखता है और बैक साइड में ऐसा बनेगा। मैं आपको इसके ऊपर से ही बनाकर दिखा रही हूँ कैसे बनाया जाएगा। राइट साइड में ये जैसे मैंने फर्स्ट सिलाई से शुरू किया था वैसे ही बनाएंगे। ये 8 सिलाइयों का डिजाइन है। आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, नाले आपको साथ में ही बॉर्डर और बटन पट्टी डिजाइन भी सेम सीखेंगे। पहली सिलाई, पहली सिलाई में पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे। ऐसे आप डबल धागा बनाएंगे, टाइट धागा होएगा जो उसके आप उस ये देखिए एक धागा तो हमारा खींच रहा और जो टाइट धागा है उसके साथ हम 2 फंदे उल्टे बना देंगे। ऐसे पीछे की ओर से धागे को खींचेंगे, 2 फंदे बन के फिर से हम ऐसे डबल धागा बनाएंगे। टाइट धागे से जो टाइट धागा होगा एक धागा तो हमारा ऐसे खींचेगा, जो टाइट धागा होगा उसमें 2 फंदों को उल्टा बनाएंगे, पीछे की ओर से खींच देंगे। फिर से ऐसे डबल धागा बनाएंगे, टाइट धागे से 2 फंदों को उल्टा बुनाएंगे, पीछे की ओर से खींचेंगे। ऐसे डबल धागा बनाएंगे, टाइट धागे से 2 फंदों को उल्टा बुनाएंगे, पीछे की ओर से खींच देंगे। फिर से हम ऐसे डबल धागा बनाएंगे, ये देखिए मैंने जहाँ से पहला स्टिच में ऐसे उतारा था उसके बाद हमारे ये 10 फंदे पट्टी के लिए बनाए ने। 2-2 फंदों का हिसाब से इन फंदों को रखना होगा। अब देखिए उसके बाद अब हमारी ये चेन वाला चेन आ रही है, इसमें हम इसको हम ऐसे नहीं बुनेंगे चेन वाले फंदे को। ये देखिए जो आपको नीचे से होल दिखाई देगा जहाँ से ऐसे सिलाई निकाल के सीधा फंदा बना देंगे। धागा आगे अब हमारा डिजाइन बनना स्टार्ट होएगा। धागा आगे रखेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये डिजाइन वाले फंदे ने इनको हम 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे सीधे, धागा आगे। जहाँ से हमारा एक डिजाइन कंप्लीट हो गया, जो 7 फंदों का डिजाइन है 7 फंदे इनको रिपीट करना होगा। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5 धागा आगे। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे सीधे, धागा आगे। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। आपने पहली सिलाई को ऐसे ही बुनना होगा। लास्ट फंदे को हम सीधा बुनेंगे। पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। अब बैक साइड में, बैक साइड में आपको देखिए जो फंदे हमें सीधी सिलाई में उल्टे बनाए थे बैक साइड सिलाई में उन फंदों को हम सीधा बुनेंगे। पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1, 2 धागा आगे। अब 5 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 5 फंदे उल्टे। ऐसे आपने दूसरी सिलाई को कंप्लीट करना होगा। 2 फंदे सीधे,
जैसे मैंने ये फंदे बनाए ने, आगे भी आप ऐसे ही फंदे बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने 5 उल्टे 2 सीधे फंदे बना ली। उसके बाद अब हमारे जो पट्टी वाले फंदे आएंगे, ये वाले फंदे, इन सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। इसकी बैक साइड सिलाई हर बार उल्टी ही बनेंगी। ये देखिए, 2 सिलाई कंप्लीट होगी सीधी सिलाई। ये देखिए, 3 नंबर सिलाई बनेंगी थर्ड रो। पहला फंदा अब ऐसे उतार लेंगे, ऐसे ऐसे डबल धागा बनाएंगे। ये देखिए, टैट धागे से जो हमारा टैट धागा होएगा, उसे हम 2 फंदों को उल्टा बना देंगे। पीछे की ओर से इस फंदे को खींच देंगे। फिर से हम ऐसे डबल धागा करेंगे, टैट धागे से 2 फंदों को उल्टा बुनाएंगे, पीछे की ओर से खींचेंगे, ऐसे डबल धागा करेंगे, टाइट धागे से 2 फंदों को उल्टा बनाएंगे। एक, ये देखिए, 10 फंदे हमारे ये पट्टी वाले बना ले। अब हमारा ये चेन वाला फंदा आएगा, इसको हम ऐसे नहीं बुनेंगे, इसके नीचे वाली जाली में जहां से देखिए सीधा फंदा बना देंगे और इसको उतार देंगे। अब हमारा फिर से डिजाइन बनना स्टार्ट होएगा। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे और 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5, ऐसे 5 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 5 फंदे सीधे। धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 5 फंदे सीधे। ऐसे आपने कंप्लीट करनी होगी पूरी रो। धागा आगे एंड में, 2 फंदे उल्टे और लास्ट फंदा सीधा। थर्ड रो कंप्लीट होगी। ऐसे ही हमारी बैक साइड रो में ये सीधे फंदे बनेंगे, 5 उल्टे 2 सीधे 5 उल्टे, ऐसे आपने कंप्लीट करने होगी। ये देखिए, ये तो मैंने फंदे बना ले 5 उल्टे 2 सीधे ऐसे। अब हमारे ये पट्टी वाले फंदे ने जो, इनको हम उल्टा ही बुनेंगे। कई बार आप भूल जाते हैं कि आप इसको कैसे करें। सीधी साइड अब हमारी 5वीं सिलाई है। 5वीं सिलाई में पहला फंदा उतार लेंगे, फिर से हम ऐसे डबल धागा करके ही हर बार पट्टी को बनाएंगे। टैड धागे से 2 फंदे उल्टे बुन देंगे। ये देखिए, चेन वाला फंदा है हमारा, इसको हम नीचे से सिलाई डाल के
ये तो हमारे पट्टी वाले फंदे कंप्लीट हो गए। अब देखिए, अब हमारी यहाँ से पांचवी सिलाई है, ध्यान से देखिए। अब हम डिजाइन डालेंगे, ऐसे धागा आगे रखेंगे, दो फंदे उल्टे, ऐसे दो फंदों को उल्टा बुनेंगे, धागा आगे ही रखेंगे, ऐसे ऊन को ऊपर से घुमा लेंगे सिलाई पर, एक पहला फंदा है जो पांच फंदों में से पहला फंदा है, इसको उल्टा बुनाएंगे। उसके बाद इन तीन फंदों का, तीन का एक बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, ये देखिए, इसे उनको ऐसे घुमाएंगे, ऊपर से जाली डालेंगे, दो फंदे उल्टे, एक दो, ऐसे ही पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। उनको फिर से ऊपर से ऐसे घुमाएंगे, पहला फंदा उल्टा, इन तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, इस फंदे को भी उल्टा बुनेंगे, ये देखिए जो फंदे हमें दहा काम कर रहे हैं, जाली बन के हमारी दोनों साइड एक एक जाली बनती है, फंदा हमारा बढ़ जाएगा। उनको फिर से ऐसे घुमाएंगे, पहला फंदा उल्टा, अब देखिए इन तीन फंदों का एक फंदा बना देंगे, उल्टा फंदा बनाएंगे, इन तीन फंदों का एक फंदा, एक फंदा उल्टा, ऐसे इन तीन फंदों का एक फंदा, लास्ट में जाली डालते हुए दो फंदे उल्टे बनाएंगे और एंड वाला फंदा सीधा। ऐसे हमारी पांचवी रो कंप्लीट हो गई। बैक साइड में छवीं सिलाई बनेंगी। छवीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए, ऐसे पहला फंदा तो उतार लेंगे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा आगे, ये देखिए जो हमारे जो जाली बनाई हुई है फंदों को, इनको उल्टा ही बुनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, धागा पीछे, दो फंदे ऐसे सीधे, धागा आगे, पांच फंदे उल्टे, ऐसे आपने सिक्स रो को कंप्लीट करना होगा। ऐसे जो सीधे ने सीधे बना लो, जो फंदे उल्टे आएंगे उनको उल्टा बुनेंगे। जी देखिए, ऐसे मैंने सिक्स रो कंप्लीट कर ली। सीधी साइड सेवन रो आएगी। सेवन रो में पहले मैं इन पट्टी वाले फंदों को कंप्लीट कर लूँ, आगे बताऊँगी। ये देखिए मैंने पट्टी वाले फंदे कंप्लीट कर ले, अब हमारा डिजाइन बनना स्टार्ट होएगा। ध्यान से देखिए, पहले दो फंदे तो उल्टे बुनाएंगे, धागा आगे, एक दो, ऐसे स्टार्टिंग में दो फंदे उल्टे और धागा पीछे। ये हमारा जाली से बना हुआ फंदा है, इसको सीधा बुनेंगे, धागा आगे, उनको ऐसे घुमाएंगे, जाली डालते हुए इन तीन फंदों का एक फंदा बना देंगे, तीन का एक, अब धागा आगे ही रखेंगे, ऐसे पीछे लेके जाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये जाली वाला फंदा सीधा, धागा आगे, उनको ऐसे घुमाएंगे ऊपर से, तीन फंदों का एक, तीन का एक, ऐसे धागा आगे ही रखेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, उनको ऐसे घुमाएंगे, जाली बनाएंगे,
तीन फंदों का एक, तीन का एक धागा आगे ही रखेंगे, ऐसे एक फंदा सीधा, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, ऐसे धागा आगे ही रखेंगे, एक फंदा सीधा, एक दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, उनको कैसे घुमाएंगे, तीन फंदों का एक फंदा बना देंगे। अब धागे को आगे ही रखेंगे, एक फंदा सीधा, लास्ट में दो फंदे उल्टे, एंड वाला फंदा सीधा। सेवन रो कंप्लीट हो गई। बैक साइड एट रो, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा पीछे, दो सीधे, धागा आगे, पांच उल्टे, एक दो तीन चार पांच, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, पांच फंदे उल्टे, दो सीधे, ऐसे अपने एट रो को कंप्लीट करना होगा। ये देखिए एट रो कंप्लीट हो गई, यहाँ से हमारा डिजाइन भी कंप्लीट हो गए। इन 8 सिलाइयों को आपने रिपीट करना होगा, फिर से हमारी वही रो बनेगी, रो 1 सीधी सिलाई। ये देखिए दोस्तों, आपको हमारा डिजाइन समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और आगे शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए नए डिजाइन देखने के लिए। फिर भी मैं आपको एक सिलाई और बनाकर दिखा देती हूँ। पहला फंदा ऐसे स्लिप करेंगे, डबल धागा बनाएंगे, टाइट धागे से दो फंदों को उल्टा बुन देंगे, एक दो, पीछे की ओर से खींचेंगे, डबल धागा बनाएंगे, टाइट धागे से दो फंदे उल्टे, चेन वाला फंदा जहाँ से सिलाई निकाल के सीधा बना देंगे, धागा आगे। अब हमारा डिजाइन बनना शुरू होएगा, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, पांच फंदे सीधे, धागा आगे, पांच सीधे, दो उल्टे, ऐसे अपने रो 1 को कंप्लीट करना होगा। ये देखिए फिर से हमारी रो 1 कंप्लीट हो गई। आपने इन्हीं सिलाइयों को रिपीट करना होगा, बनकर हमारा डिजाइन ऐसा दिखेगा। फ्रेंड, आपका वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्यार परी सत श्री अकाल।